तो फाइनेंशियल फॉर्मूला में हम बात करेंगे पीएमटी की। तो मुझे ईएमआई कैलकुलेट करना है। यहाँ पे ईएमआई जैसे कि मेरे पास प्रिंसिपल है 50,000, रेट है 5% और टाइम है 6 साल का, तो ईएमआई कितना होगा। तो ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए एक्सेल में होता है पीएमटी का फॉर्मूला। किसका? पीएमटी। पीएमटी में हम रेट लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 12 से ताकि मंथली हो जाए, फिर टाइम लेंगे, टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से क्योंकि इसको ही मंथ में कन्वर्ट करना है क्योंकि टाइम हमारा ईयर में है, और फिर यहाँ पीवी जो कि प्रेजेंट वैल्यू है उसको लेते हैं 5000 को और एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए, सबसे पहले बात की जो भी फाइनेंशियल फॉर्मूला है रिजल्ट माइनस में देता है, तो यह -805 हुआ है। अब इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हमने आपको बताया था एबीएस फॉर्मूला लगा लेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ₹805 मंथली ईएमआई पड़ी। ओके, तो पीएमटी फॉर्मूला में इसके जरिए ईएमआई निकालना समझ में आ गया? जी जी कोई दिक्कत आप लोगों को इसमें? नहीं जी नहीं सर। अब यहां पे बात करते हैं ईएमआई। हमने ईएमआई निकाला राइट, तो ईएमआई कब निकाला? जब लोन पे था। ओके, अब हम बात करते हैं रेकरिंग अकाउंट। ये हमारा मान लीजिए एफबी है, फ्यूचर वैल्यू। तो मैं एक रेकरिंग अकाउंट जो था महीने की किस्तों में जमा करने वाले आरडी अकाउंट भी कहते हैं वो खोलना है, और आरडी अकाउंट में मैं चाहता हूं कि 2 साल बाद 5% की इंटरेस्ट रेट मुझे बैंक देगा, मुझे ₹50,000 चाहिए। तो मैं अभी कितना ईएमआई जमा करूं? जी हाँ, मैं कितना ईएमआई जमा करूं जो 5% के रेट से 2 सालों में 50,000 दे दे। तो इसके लिए भी हम पीएमटी फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें हम रेट लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 12 से ताकि मंथली हो जाए, और ईयर को भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से ताकि ईयरली हो जाए, और यहाँ हम 0 देंगे क्योंकि एफबी जो है नहीं है, पीवी है, मेरे फ्यूचर में मिलने वाला है। तो रिजल्ट एंटर प्रेस करते देखिए 1985 आ गया। ठीक है सर जी। तो इस तरह से हम अब पीएमटी फॉर्मूले के अंदर पीबी और एफबी का लोकेशन चेंज करके हम अपनी ईएमआई दोनों तरफ का निकाल सकते हैं, चाहे कैलकुलेशन ईयरली हो या कैलकुलेशन मंथली हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ओके सर जी सर। कोई डाउट? नो सर। अब मान लीजिए कि मुझे मेरे पास ऑलरेडी ईएमआई है जो कि ₹2,000 की है, बैंक रेट 5% की दे रही है और टाइम मेरा 3 साल, तो यहां मुझे अमाउंट निकालना है। ध्यान से सुनिए, मैं ₹2,000 की महीना जमा करना चाहता हूं बैंक में, बैंक मुझे 5% का इंटरेस्ट रेट दे रही है और मैं उसको 3 सालों के लिए जमा करना चाहता हूं। तो आफ्टर 3 साल कितना पैसा आएगा? तो पैसा मेरा फ्यूचर में आ रहा है, इसलिए फॉर्मा लगाएंगे एफबी मतलब फ्यूचर वैल्यू। रेट हम इसको डिवाइड करेंगे 12 से, हम देंगे टाइम, इसको ही मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, और यहां पे मेरा पीएमटी का फॉर्मूला लगा है। पीएमटी मतलब कि प्रेजेंट वैल्यू, सॉरी ईएमआई, पीबी मतलब प्रेजेंट वैल्यू होता है, और आप देखेंगे 7756 मेरा रिजल्ट आएगा। रिजल्ट नेगेटिव में है, पॉजिटिव में करने के लिए हम क्या करेंगे, एबीएस का फॉर्मूला लगा देंगे, आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट सर? अब जो है थोड़ा चेंज करता हूं कि मैं 50,000 की एफडी करना चाहता हूं।
तो मैं अब जो है ना रेकरिंग करना चाहता हूँ, मैं रेकरिंग करना नहीं चाहता, मैं करना चाहता हूँ एफडी, मतलब कि मैं अभी 50,000 रुपये की फिक्स डिपॉजिट करूंगा, बैंक 5.40 का इंटरेस्ट रेट दे रही है और 6 साल के लिए मैं करना चाहता हूँ, तो कितना अमाउंट आएगा 6 साल बाद। तो यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला एफडी फ्यूचर वैल्यू का, और फ्यूचर वैल्यू में रेट लेंगे, लेकिन रेट तो मंथली चाहिए, तो इसको हम डिवाइड बाय 12 कर देंगे, टाइम फिर मुझे टाइम को मल्टीप्लाई बाय 12 करना है। फिर पीएमटी नहीं है मेरे ट्वेल्व पास, क्या है पीवी है, प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि 50,000 में अभी खर्चा कर रहा जी हूँ ना, तो रिजल्ट आ गया जी 69082। अब रिजल्ट माइनस में आया तो एवीएस तो लगा ही सकते हैं, या आप एक या एफबी से पहले माइनस लगा के एंटर मार दे तो फिर भी प्लस में रिजल्ट आ जाएगा, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो सर एबीएम से फॉर्मूला क्यों नहीं लग रहे हैं? माइनस वहां पर नहीं कर सकते हैं जो कि पहले वाले में किए, हाँ तो उसमें मैंने नहीं कर आपको दोनों सकते? चीज बताया ना, माइनस भी कर सकते हैं अच्छा और अच्छा एबीएस भी ठीक लगा सकते हैं, लेकिन एबीएस हम ठीक माइनस प्लस दोनों पे लगा सकते हैं, और माइनस से माइनस के लगा सकते हैं, क्योंकि तो प्लस में माइनस गया तो ओके माइनस हो जाएगा ना, ठीक है सर ओके ठीक है, क्लियर है। अब मेरे पास फ्यूचर वैल्यू है, मैं रिटायरमेंट प्लान कर रहा हूं और मुझे 25 लाख रुपए की जरूरत है रिटायरमेंट के लिए, ठीक है, जी और रेट जो है बैंक का वो 6% का या 8% पीपीएफ कर रहा हूं, 8% का रेट है मेरा, और टाइम जो है हमारा क्या है, टाइम मान लीजिए मेरे पास 10 साल बाद में रिटायर होने वाला, तो बेसिकली मैं रिटायरमेंट प्लान कर रहा हूं और मुझे 25 लाख रुपए चाहिए, 25 लाख ही है ना, और 8% का इंटरेस्ट रेट, 10 साल बाद रिटायर होने जा रहा हूं, मैं अभी कितना एफडी करूं, तो इसके लिए आता है प्रेजेंट वैल्यू, क्या होता है पीवी, प्रेजेंट वैल्यू, जिसमें हम रेट को लेते हैं डिवाइड बाय 12 करते हैं, टाइम को लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 12 करते हैं, और पीएमटी नहीं है जी पीवी है, तो हमने यहाँ ले लिया, तो रिजल्ट आपके सामने आ गया कि आप 11,26,000, नहीं ज़्यादा है सर, एक आई थिंक करोड़ है। सर सर हम वो डबल कोट को लगाया सर, कमाल लगाया है वहां कहाँ यहाँ पे जी सर ए बोले मैं देखिए जी पीएमटी को हमने स्किप किया ना, मेरे पास पीएमटी नहीं है ना, मेरे पास पीवी है ना, एफबी है, सॉरी फ्यूचर वैल्यू है ना, जी जी इसलिए, ठीक ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। जी नहीं अब मान लीजिए मुझे पैसा डबल करना है, ठीक है, मतलब कि प्रिंसिपल मेरे पास 50,000 है, ओके, बैंक का और जी मेरे पास और मुझे चाहिए एफ बी फ्यूचर में चाहिए 1 लाख, क्या चाहिए 1 लाख, अल्लाह और रेट जो है हमारे पास वो है हमारा मान लीजिए 5-6% का, तो मैं पैसा डबल करना चाहता हूं, मैं निकालना चाहता हूं कि मेरा पैसा कितने साल में डबल होगा, तो साल निकालना है, तो 50,000 रुपये हमने जमा करेंगे, 1 लाख मुझे चाहिए, रेट दे रहा है 6% का, तो कितने महीने का टाइम होगा, तो इसके लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला किसका, NPER, उसके बाद हम सेलेक्ट यस करेंगे रेट जो कि डिवाइड बाय 12 होगा, फिर आएगा पीएमटी नहीं है पीवी है, और हमारे पास एफ वी है, और यहां पे एंटर प्रेस किया तो नम आया, नम इसलिए आया क्योंकि फाइनेंशियल फॉर्मूला कहता है कि एक रिजल्ट आप माइनस में दीजिए, माइनस में दीजिएगा तब 138 महीना आ गया, मतलब इसको मैं डिवाइड बाय 12 कर दूंगा तो 11 साल समथिंग आएगा, ठीक है, जी तो 138 महीने 139, क्योंकि इसमें हमेशा राउंड होता है, समझ गए सर, राउंड अप होता है ना, जी राउंड राउंड अप होता है हमेशा, तो जी राउंड अप हुआ और आपको बता दिया कि भाई 139 महीना
लगेगा, मतलब 11 साल समथिंग में आपका पैसा डबल हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए सेम थिंग, ये जो चीज हमने किया है सेम थिंग मुझे यहां करना है, राइट, सेम करना है यहां पे, लेकिन इस बार मुझे टाइम पता है, मुझे रेट निकालना है, ठीक है, टाइम कि मैं 8 सालों में पैसा डबल करना चाहता हूं, समझे, मुझे रेट निकालना है कि मैं 50,000 रुपया जमा करके 1,00,000 रुपये चाहता हूं और टाइम 8 सालों में, तो कितना परसेंट रेट मिलेगा, तो मेरा पैसा 8 सालों में डबल हो जाएगा। तो इसके लिए हम रेट का फॉर्मा निकालेंगे, रेट हम यहां टाइम लेते हैं जो कि मल्टीप्लाई बाय 12 कर देते हैं। पीएमटी नहीं है, पीवी हमारे पास ए है और एफबी हमारे पास ए है, लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी रेट और टाइम का फॉर्मूला निकालते हैं तो पीवी या एफबी दोनों में से कोई एक माइनस में होना चाहिए। रेट एंटर मारते ही यहाँ पे 1% आ रहा है क्योंकि ए मंथली 0.7% का दिया हुआ है। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे ताकि ईयरली निकल जाएगा परसेंटेज, कि परसेंटेज हमें चाहिए 8.70% अगर देता है तो 8 सालों में मेरा पैसा डबल हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है सर। अब यहां पे एक चीज और है, अब मैंने यहां पे लोन लिया था 5% 6 सालों के लिए जिसका 805 रुपये समथिंग ईएमआई था, बट हुआ क्या कि मैं 40वें महीने में अपना लोन सेटल करने जा रहा हूं, ठीक है। अब कुछ लोग हिसाब लगाते हैं कि 40 महीने में 8,800 के हिसाब से मैंने दे दिया है 32,000 समथिंग दे दिया है, तो 50,000 में मेरा 2,000 जो है 18,000 समथिंग बचेगा, 18,000 जमा कर देता हूँ, क्या सही है? नहीं, क्योंकि जो 805 रुपये आप जमा कर रहे हैं ये फ्लक्चुएट रेट पे है, मतलब इसके साथ इसका इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है, तो आप हर महीने का इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे मंथ में 1 दिया और यहां पे मुझे इसका इंटरेस्ट चाहिए, तो इसके लिए होता है आईपीएमटी का फॉर्मूला, बिल्कुल आईपीएमटी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो आईपीएमटी का फॉर्मूला कैसे लगता है, तो यहां पे सबसे पहले रेट लिया मैंने, डिवाइड कर दिया 12 से, इसके बाद आता है आपका कौन सा मंथ है, तो पहला महीना है, और फिर यहां पे आता है कि टाइम कितने साल का है, तो हमने मंथ दे दिया, और फिर हमारा पीवी हम यहाँ दे देते हैं, तो रिजल्ट आपके सामने 208 रुपये, मतलब कि 805 पे पहले महीने 208 दिया, दूसरे महीने 205 दिया, तीसरे महीने ये दिया, लेकिन मुझे 40वें महीने तक टोटल कितना दिया, तो इसको हमें इसके लिए एरे फॉर्मूला यूज करना होगा, इसको डालना होगा सम के अंदर, और जो मंथ है इसके अंदर हम डालेंगे रो, रो में करेंगे 1 से लेके 40 तक, और फिर एंटर प्रेस करेंगे तो देखेंगे कि 40 महीने तक 6,286 रुपये जमा की गई है, मतलब कि 32,000 हमने टोटल जमा किया जिसमें 6,286 रुपये इंटरेस्ट था, क्लियर है जी। तो बाकी जो बचेगा वही आपका 26,000 रुपये, तो उतना ही माइनस होगा ना सर, इंटरेस्ट थोड़ी माइनस 26,000, फिर जो लोन कुछ लोग कुछ बैंक लोन क्लोजर फॉर्म साइन करते हैं तो लोन क्लोजर फॉर्म जो होता है उसका लोन क्लोजर अमाउंट वो देना पड़ेगा, राइट। अब पीएमटी के जगह पे आप पीपीएमटी कर देंगे तो सेम तरीके से लगता है, वो आपका प्रिंसिपल निकाल देता है कि आईपीएमटी के जगह पे मैंने पीएमटी लगा दिया, पीपीएमटी तो 25,922 निकाल दिया, ठीक है। तो इसकी कीजिए प्रैक्टिस, कल की क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे नेमिंग मेथड। यहाँ पे फॉर्मूला का खत्म हुआ, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना एडवांस फॉर्मूला और एडवांस कंसेप्ट।